नेक्स्ट जो इंडिया का थर्मल पावर स्टेशन है वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र पे कहां पर, कोराडी में, कोराडी कहां पर है, नागपुर में। अब ये सारे इंफॉर्मेशन को हमें दिमाग में रखना है, ठीक है, और ऐसे कैप्चर करना है ताकि हम कभी नहीं भूल पाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे ये होता है। देखिए यहां पर जो इंडिया का मैप है वो लुक्स लाइक, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक मैन है और उसका हाथ जो है यहां पर फैला हुआ है स्ट्रेच, और एक हाथ कमर में है। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे, और यहां पर एक बैग है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए हुआ ना, ये देखिए ये हाथ जैसा है और ये लगता है कमर में हाथ दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर देखिए कैसे, ये देखिए कैसे, ठीक है, और यहां पर पैर, फिर अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र कहां पर है। महाराष्ट्र जो है ठीक यहां पर, जहां पर कमर में हाथ है, ठीक वहां पर, ठीक इस जगह पे, ठीक है। द पोजीशन ऑफ महाराष्ट्र इन द इंडियन मैप, ठीक है। ये आप एक बार पिक्चर को देखिए और कुछ नहीं देखना होगा, आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। फिर मेमोरी ट्रिक है, मेमोरी ट्रिक से हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉर्ड गणेशा प्लेइंग कबड्डी। अब लॉर्ड गणेशा क्यों, देखिए महाराष्ट्र का जो फेमस पूजा है वो गणेश पूजा है, गणेश चतुर्थी है, तो इसलिए गणेश को यहाँ पर लाना पड़ा, लॉर्ड गणेश को यहाँ पर लाना पड़ा। तो और कबड्डी क्यों, प्लेइंग कबड्डी, कबड्डी क्यों, कबड्डी से कोराडी, ठीक है, कबड्डी से कोराडी, साउंड लाइक कोराडी। अब सारे के सारे चीजों को हम यहां पर आप आंखें बंद करके सोचिए कि थर्माकोल का एक गणेश का मूर्ति है और वो कबड्डी खेल रहा है, कबड्डी फॉर कोराडी, और उसी टाइम एक नाग जो था, नाग फॉर स्नेक, वो पूरी खा रहा था, पूरी, पूरी नागपुर, इससे क्या होता है नागपुर, वो पूरी खा रहा है, ठीक है। तो आंखें बंद करके एक बार सोचिए, थर्माकोल का एक गणेश का मूर्ति और कबड्डी खेल रहा है, कबड्डी फॉर कोराडी, और उसी समय इन दैट टाइम एक नाग जो था वो नाग पूरी खाते हुए इस सारे घटना को देख रहा था, ठीक है, सारे प्लेइंग जो है वो देख रहा था, ठीक है। और इससे आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है, आपको खाली ये पिक्चर को देखना होगा और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा चलिए स्टोरी को एक बार फिर से डिकोड करते हैं और इस बार हम आंखें बंद करके सोचेंगे, ठीक है। तो डिकोडिंग द स्टोरी, स्टोरी इज अबाउट लॉर्ड गणेशा, यहाँ पर लॉर्ड गणेशा फॉर महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र क्यों, महाराष्ट्र में गणेश पूजा होता है, ठीक है। द स्टोरी इज अबाउट लॉर्ड गणेशा मेड विथ थर्माकोल, थर्माकोल फॉर थर्मल पावर, ठीक है, प्लेइंग कबड्डी, कबड्डी फॉर कोराडी। While Ganesha was playing, a Naga was having puri and watching the match. Okay, total story को एक बार आंखें बंद करके सोचिए, देखिए, बस इससे काम बन जाएगा, ठीक है, और आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और अब जो थर्मल पावर स्टेशन के बारे में बताएंगे उसका नाम है मीजिया थर्मल पावर स्टेशन, और ये कहां पर है, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बांकुड़ा। ये आप लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। तो गौर कीजिएगा, यहां पर
ये नाम आपको याद रखना है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये तीन इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। अब कैसे याद रखना है अभी आपको मेमोरी टिक के साथ मैं बोलने वाला हूं। आप देखिए यहां पर आप एक पिकुलियर सा पिक्चर थोड़ा सा देखिए, तो पिक्चर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं एक करीब करीब इंडिया के मैप जैसा, लुक्स लाइक इंडिया मैप। तो और जो वेस्ट बंगाल का पोजीशन है वो ठीक यहां पर है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए इंडिया का मैप है और ठीक इस जगह पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, समझ गए होंगे वेस्ट बंगाल। तो ये ट्रिक है मैप को याद रखने का। अब आगे चलते हैं, अब देख सकते हैं कि निजिया थर्मल पावर स्टेशन। अब इस नाम को कैसे याद रखें, तो सिमिलर कुछ ढूंढना होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ब्रेन हर टाइम इमेज को याद रख सकता है, ठीक है। तो इन सब को हमें इमेज बनाना पड़ता है, तब जाके ब्रेन में वो लोड होता है और ब्रेन उसको बहुत समय तक याद रख सकता है। तो चलिए देखते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक लड़की का नाम है जिया, सपोज इमेजिनरी नाम है जिया, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है तो क्या कहेगी, मी जिया, यानी कि मैं जिया हूं। ये देखिए, मी जिया यानी कि मैं जिया हूं, सही बात है। तो इससे ही निकल गया साउंड लाइक मी जिया, ओके। ट्राई टू इमेजिन, ओके। फिर आगे चलते हैं। अब इन सारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इन दोनों को हमें सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे आइए देखते हैं। यहां पर वेस्ट बंगाल फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, क्यों रॉयल बंगाल टाइगर उनको फेमस है, बंगाल में और बांग्लादेश में भी रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। हालांकि यहां पर दुर्गा पूजा भी होता है, सिंबॉलिक में ले सकता था, लेकिन कहानी कुछ बनाना पड़ता है, स्टोरी बनाना पड़ता है ताकि दिमाग उसे पढ़ पाए और बहुत देर तक याद रख पाए। तो मुझे ठीक लगा, आप दूसरा कोई ले सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। तो बांकुरा, बांकुरा को कैसे याद रखा जाए, बांकुरा को याद रखने के लिए बनी, जो रैबिट बनी होता है उसको मैंने लिया, तो ठीक है आगे चलते हैं। यहां पर एक स्टोरी आप बनाइए, देखिए यहां पर मैंने पोजीशन दिखाने के लिए किया, एक पोजीशन ऑफ वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और यहां पर एक बनी है और बनी फॉर मैंने पहले भी बोल दिया बांकुड़ा, ठीक है, वेस्ट बंगाल फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। ये डिकोडिंग चल रहा है हमारा, डिकोड कर रहे हैं। तो यहां पर आप एक स्टोरी बनाइए, ठीक है। आप सोचिए कि एक लड़की है जिसका नाम है जिया और ये जिया है, तो इसका जो बॉडी है ये पूरा का पूरा थर्माकोल का बनाया हुआ है, थर्माकोल फॉर थर्मल पावर, ठीक है। तो इसने कहा मैं जिया और मैं ऑर्डर देती हूं रॉयल बंगाल टाइगर को, इस बनी को मत खाइए, ठीक है, बनी को मत खाइए, डोंट ईट बनी। तो इस हालांकि ये बहुत ही पिकुलियर सा पिक्चर है, पिकुलियर सा स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी में जो लिंक है उससे आपको वन बाय वन याद आ जाएगा, ठीक है। नाउ इंडिया का जो नेक्स्ट पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट,
वो है मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। अब ये कहां पर है? कच्छ में। कच्छ कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ठीक इस जगह पे। ठीक है, ठीक इस जगह पे। अब और थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि द पावर प्लांट इज ओन्ड बाय टाटा पावर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब हमें ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो दिमाग में लोड करना होगा। और कैसे? अभी हम देखते हैं कैसे लोड करना होगा। और एक बात मैं बता देता हूं, अगर दिमाग को जितना रेडिकुलस पिक्चर से आप पढ़ेंगे तो दिमाग उतना याद कर सकेगा और बहुत दिनों तक वो याद रहेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे। देखिए, जो गुजरात का पोजीशन है ठीक यहां पर है। ठीक है, ये मैप स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये देखिए यहां पर है, ठीक यहां पर आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब गुजरात को मैंने सिंबलाइज किया है ग्रेट रैट के साथ। अब ग्रेट रैट क्यों? यहां पर देखिए नाम के यहां पर रैट है, आप देख सकते हैं यहां पर रैट। ठीक है, तो आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाइएगा कि जहां पर स्टोरी बनाने में यानी कि लिंक बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो दिमाग उसे याद कर पाएगा। ठीक है, तो मुंद्रा, तो मुंद्रा जो है मुंद्रा, तो इसको कैसे याद रखें? तो सिमिलर कुछ खोजना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए बहुत ही फनी पिक्चर है। मुंद्रा से लगता है किसी का मुंडन किया गया है, तो ये बहुत ही फनी पिक्चर है, तो इससे तो आपको याद आ ही जाएगा। तो फिर क्या करना होगा? देखिए यहां पर ग्रेट रैट, ग्रेट रैट क्यों? गुजरात फॉर ग्रेट रैट। यहां पर देखिए जी आता है, ध्यान से देखिए यहां पर जी हुआ ना, जी, ये जी हुआ, हाँ हुआ। तो इसको हम सिंबलाइज करेंगे किसके साथ? गुजरात के साथ। ठीक है, फिर ये देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ बार बार कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, खाली इस पिक्चर को याद रखिए। और ये पिक्चर तो याद रखना बड़ा ही आसान है, आप देखेंगे आपके दिमाग में ये पिक्चर एकदम से बैठ गया। अगर आप बार बार से ये पिक्चर देखेंगे तो ठीक आप डिकोड कर पाएंगे कि क्यों ये पिक्चर दिया गया है। ये गुजरात, ठीक है, और गुजरात के कच्छ में क्या है? मुंद्रा थर्मल मेगा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और इससे क्या होता है? मुंडन, मुंडन मुद्रा, मुंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्मल पावर स्टेशन है हमारा चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तो यहां से आपको इसका मेमोरी ट्रिक बनाने के लिए ए चंद्रा, इसको ए मीनिंग बनता है, इसको लेना पड़ेगा, आप समझ ही गए होंगे। तो ये देखिए चंद्रा, तो ये कहां पर है? चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र को कैसे कोट करना है आप जानते ही होंगे, पहले मैंने किया था। तो महाराष्ट्र को करना है गणेश, लॉर्ड गणेश से, क्योंकि गणेश पूजा यहां पर होता है, फेमस है गणेश चतुर्थी के लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है, इसका जो उद्घाटन हुआ था, इसका जो उद्घाटन हुआ था 8 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो फिर आते हैं मेमोरी ट्रिक के बारे में। तो मेमोरी ट्रिक यहां पर आप देख ही सकते हैं कि बोलने की कोई ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर चंद्रा और एक गणेश जी फॉर महाराष्ट्र। ठीक है, गणेश जी फॉर महाराष्ट्र, यहां से मैं एम दे देता हूं और ए चंद्रा फॉर सी,
CH दे देता हूँ, ठीक है चंद्रा। यहाँ पर कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यही आपका कोडिंग है, ये आपको डिकोड करना है, और कैसे आप जानते ही होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत छोटा हो गया, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रख सकेंगे, और दिमाग पे प्रेशर मत डालिएगा, ठीक है। इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, देखिए जो चीज़ जब होने को है तभी होगा, ठीक है, समय पे ही होगा, कोई आगे नहीं होगा, कोई बाद में नहीं होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी सर्च इंजन में जाइए और जाके टाइप कीजिए GK Pandit Ji। अब कोई भी सर्च इंजन में जाइए और जाके टाइप कीजिए GK Pandit Ji।